पूरा टूटा गंदा पड़ा। अच्छा, जो हड्डी में गैप दिखाई पड़ रहा है वो? हाँ, तो एक तो टुकड़ा ये अलग पड़ा है और ये पूरा कंधे का जो भुल्ला है उससे नीचे टूट गया। ये भुल्ला जो जिससे बाल होती है, जिससे घूमता है, उसी के नीचे से टूटा। फिर क्या हो? और ये हाथ में क्या हुआ है? हाथ पे एक बार बताइएगा। नहीं, ये देखिए, ये तो देखिए डिफरेंस है ना, ये निशान लगा हुआ है और ये देखिए हाथ में ये है, दोनों ठीक है, ये दो फ्रैक्चर है। उंगली चलाने में उसको दिक्कत नहीं हो रही हाथ में? उंगली क्या, जैसे अब कंधा टूटा है तो क्या उंगली नहीं चलेगी? मुट्ठी बांध के दिखाओ, कह दो मुट्ठी बांध देगा। जान टूट जाती है तो क्या पंजा नहीं चलता है, उंगली नहीं चलती? हमारे मरीज भरती है जान टूटे हुए। ये डॉक्टर साहब क्या है, कहाँ टूटा है हाथ? हाथ थोड़ा सा ये सब ये थोड़े बता पाएंगे हम। मेडिकल कॉलेज में हमारे स्टूडेंट वगैरह हो तो बताए, ये इसमें निशान लगा हुआ है अपना, ये आपकी एक्सरे है, घर जाइए आराम से पढ़िए, आजकल गूगल खोलिए, हर चीज मिल जाएगी। बस हमारा इतना समझिए 25-26 साल का अनुभव है, उसके हिसाब से उसको फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर, हम प्लास्टर लगाएंगे, शहर के डॉक्टर ऑपरेशन तो होगा बिल्कुल, मतलब हम ही अकेले ऐसे दो ही डॉक्टर। अरे दिमाग में था ऑटो की, ऑटो बुक करिए और हो गई क्या। हम गए हैं प्लास्टर एंड एक्सरे रूम केवल मरीजों के लिए। डॉक्टर आर के गुप्ता हड्डी तथा जोड़ रोग विशेषज्ञ को होने जा रहा है इनका डिजिटल एक्सरे। ये इनका एक्सरे हो रहा हाथ का। ये देखो इससे हुआ है, इस मशीन से। ये भी मशीन रखी हुई है, बैठे हुए शुभम। इधर चोट लग गई है, तुम्हारा एक्सरे शिव फोटो कॉपी मशीन है शायद। ये आ गई शिव भैया की रिपोर्ट, यहाँ से निकली है। ये पोस्ट ऑपरेटिंग ड्रेसिंग 300 रुपए, मेजर ड्रेसिंग 300 रुपए, माइनर ड्रेसिंग 200 रुपए और इंजेक्शन बाय कंपाउंडर 20 रुपए। एमएस ऑर्थो है ये है भाई डॉक्टर। अच्छा भाई, दवा वाले जो भी दर्द दर्द है वो सूखेगा। देखो अभी घाव वाव सूखेगा, उसका जो है दवाई ववाई भी लेनी है, फिटनेस का इंजेक्शन वगैरह लगेगा, फिर अभी पट्टी वट्टी हो रही है, अभी 5-10 दिन के बाद पक्का प्लास्टर होगा, अभी कच्चा प्लास्टर चढ़ रहा है। जो हम भैया निकलेंगे प्लास्टर वास्टर पहन के, बिल्कुल हुलिया ही बदल जाएगा उनका। इससे जा रहा था रात में हाईवे में, जैसे हाईवे से नीचे उतरा, एक डिवाइडर था वो दिखा नहीं, वहाँ पे खूब अंधेरा था, जाके भिड़ गया भैया। और वहाँ हाईवे था, ट्रक व्रक चल रहे थे, पुलिस पुलिस वाले आ गए, उसको उठाया उठाया, फिर पापा गए लेने आने, तो ये सारे सीन हो गए भाई। दशहरा में लग गए भाई, कच्चे में ही लग गए 10,000 रुपये। क्या चढ़ेगा तब देखो क्या होता है। उससे ज़्यादा तो ये हो गया कि 1-2 महीने अब वही है, बेड रेस्ट हो गया, आप चल कर नहीं पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। यहाँ मिल जाएगा मलिक गेस्ट हाउस के जस्ट बगल में जो है ये एरिया, यहाँ पे जो है आप आओगे, यहाँ पे इनका मेडिसिन भी है, हड्डी के डॉक्टर हैं डॉक्टर आर के गुप्ता यहाँ पे, और एक्सरे वगैरह भी हो जाता है इनका। बगल में PNB बैंक है, यहीं पे है। यहाँ पे मील वील बहुत सारी हैं, आटे वाटे की मील वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो आटे वाटे की मील वील रखी हुई है, आटा चावल गेहूँ ये सब बहुत मिलता है यहाँ पे। आ गए शिवम भैया हैं, छल्ला हटा दिया जाता है। शिवम भैया पट्टी तो बहुत भयंकर वाली कर दी है ना, दोनों हाथ एंगेज कर दिए। अच्छा, ये दोनों हाथ एंगेज हो गए हैं। पक्का बिल बनवा दिया है, प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हमें कुछ नहीं मिला है, इनवॉइस वगैरह है। 1,500-6,000 ठीक है। चलो ये इनका एक्सरे हो गया है इनका। पेन किलर और तुम्हारा ये जो जख्म वख्म है ये भी जल्दी सूख जाएगा। यहाँ पे नहीं कुछ लगाया है, इधर की साइड भी लग गया ना सर में, बांधने के बाद आराम है। प्लास्टर पहनने के बाद आराम मिल जाता है, जगह पे आ जाता है। अच्छा वजन होगा ना उसमें पक्के वाले में। हाँ।
कच्चा वाला तो थोड़ा सा अच्छा, ये तो सिर्फ पट्टी पट्टी सी है। हाँ, वो प्लास्टर उसमें अच्छे से ऊपर एक ही लेयर पर प्लास्टर पैरिश है। हाँ, उसमें उसमें जितनी भी लेयर होंगी सब में होता है, सब में प्लास्टर पैरिश है। भावजनी भी होगा है। हाँ, या तो ब्रेस टाइप कट है, ये फाइबर का होता है, ये काटा जाएगा। वो जो पक्का होता है वो एकदम से क्यों नहीं बांध दिया जाता है, पहले कच्चा क्यों बांधा जाता है? स्वेलिंग वगैरह खत्म हो जाए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं स्वेलिंग और बढ़ेगी, कह रहे हैं। अब बैठाला गया है तो बढ़ेगी। हाँ, और पहले से भी है। हाँ, दोनों स्वेलिंग खत्म होनी चाहिए ना। हाँ, नहीं तो जो बांधेंगे प्लास्टर वो ढीला हो जाएगा, तो जगह से फिर सक जाएगी। तो ट्राई करके बांधना है तो बना रहे प्लास्टर, कोई दवा तो है नहीं, तुम्हारे बोन को फिक्स रखे इसलिए है कि इतने बहुत दर्द होता है, और वो फिर से जब रहेगी एक जगह पे तभी जुड़ेगी। अच्छा, हड्डी में टूट के जुड़ जाती है, हड्डी में बनता है कैल्शियम। हाँ, जैसे लुब्रिकेंट होता है ना। हाँ, उसी तरह से कैल्शियम निकलता है हड्डियों में। अच्छा, उसी चिपक जाती है हड्डी, हड्डी कैल्शियम ही उसको हड्डी को जोड़ देती है। और कैल्शियम की टेबलेट भी चलेंगे, अबर से बैठ गई बिल्कुल मिला के बैठा दी गई, तो अभी यहाँ से भी निकलेगा कैल्शियम, यहाँ से भी निकलेगा वही जोड़ देगा। कैल्शियम बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है कैल्शियम की, वैसे जुड़ जाती है इधर से भी कैल्शियम। हाँ हाँ, दोनों दोनों हिस्सों से कैल्शियम निकलेगा, ये यहाँ पर कुछ दुआ लगा हुआ है। ये है इनका एक्सरे। तो अंकल ऐसे में लेटा बैठा कैसे जाता है, ये जैसे प्लास्टर इसके दोनों हाथ में है, कैसे लेटेगा ये? पीठ के बल लेटेगा, पीठ के बल, पीठ के बल सीधे लेटेगा ना, लेटेगा बल, तकिया लगा ले दोनों तरफ। मतलब सपोर्ट के लिए तकिया लगा ले। कह रहे हम बैठे रहेंगे दो दिन तक, बैठे कहाँ रह पाएंगे, रात में इसके दर्द हो रहा होगा काफी तेज, तो सो नहीं पाया है ज्यादा, रहेगा जगह से हटाया। हड्डी टूटना कोई आसान बात थोड़ी ना, डॉक्टर तो बताए थे और जगह जाते तो ऑपरेशन के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते थे, यहाँ पे तो चलो हम एक दो महीने का टाइम लगेगा मगर हाँ हो जाएगा रिकवर। आ गया अब ऑटो वाला भी, चलो चला जाए, दवा ववा भी मिल गई। दवा कितने की बनाई है इन्होंने? 1545 की दवा है। ऑटो वगैरह वाला भी आ गया, शिवम भैया को ऑटो से ले चलेंगे। आओ, यहाँ पे भी हम आए थे अंदर की तरफ, शिवम भैया को लेके यहाँ पे ऑटो वाला खड़ा हो गया। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो कहाँ कह रहा है आ रहे हैं, आ गए हम से जा रहे हैं, वो ऑटो के चक्कर में वैन हो गई। चलो बैठो आराम से, चलो बैठो। हाँ उधर से आ जाएंगे, बैठो आराम से, उधर हो खिसक जाओ। अरे दिमाग में था ऑटो कि ऑटो बुक करी है और हो गई कैब, तो वही चक्कर में थे। चलिए ठीक है, चलिए वही हम कह रहे हैं, इतना इतना जो है दिमाग आउट हो गया है। अरे भैया दिमाग ही में नहीं ना कि ऐसा भी कुछ हुआ है, ऑटो है तो ऑटो देख रहे हैं, कैसे गाड़ी देख रहे हैं ना। हाँ आपकी बात अपनी जगह, आपको क्या पता भाई क्या, हम तो कुछ पता ही नहीं क्या क्या हमें मेन चीज ये है कि जल्दी बैठे हैं, इसको दिक्कत है अपना आराम से पहुँचे। अब ज्यादा आराम से पहुँचे, हाँ ज्यादा आराम से पहुँच जाएंगे, भगवान ने भी कुछ सोचा है कि सोच ही विचार के करा होगा, भगवान से मर्जी में कुछ नहीं होता। भगवान ने कहा नहीं भाई ऑटो में मत जाओ। अरे घूमा के बाद आगे जो एक वो नहीं है सर्विस लेना डिवाइडर है उसका, KIT के आगे। हाँ, उसी में गाड़ी बाइक से थे, बाइक से थे, बाइक में बहुत चोट है रात में, वहाँ पुलिस वाले भी कह रहे थे यहाँ अक्सर हो जाता है, फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ लाइट वाइट भी कहा कि सीमेंट का बना होगा बैरियर है ना, वहाँ के लोग हटा भी देते हैं। अभी दो दिन पहले बता रहे एक लड़का बेड़ा मर गया, वो है
भाई देखो ये गुरुद्वारा मानना निकलते दिन भर में जाते कितने लोग हैं धोनी है ये मान के चलो कि तुम्हारे साथ हो सकता भगवान ने कम करा हो लोग बता रहे कि मर भी गया था वो तो होनी है सब जो चलो बची गए अच्छा खासा बैठा था घर में एकदम से कहता है कि नहीं हम अब इसको क्या कहेंगे इसको होनी तो कहेंगे होनी हाँ भाई मम्मी कह रही कि जाना था इनको वहाँ पे भिड़ना था कहेंगे भाई निकलते तो रोड पे ऐसा तो है कि कोई निकलते ही नहीं है हजारों लोग निकलते लेकिन इनके साथ होना है वो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा। हेलमेट लगाए थे एक और हेलमेट हेलमेट लगाए थे मतलब चेहरे सर में हेलमेट तो मेन दिमाग बहुत बड़ी चीज है अरे मेन तो हेड ही होता है ना कंट्रोल तो दिमाग से ही होता है कानपुर में कोई ज्यादा हेलमेट हेलमेट लगाए दिख नहीं रहा है वहाँ गुड़गांव में आगे का आगे पीछे वाला भी हेलमेट लगा के चले वरना पुलिस वाले रोक देते हैं।